फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फ्रेश क्लासेस में। तो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो नहीं देखे हैं वो पिछले वाले वीडियो यानी कल जो हमने अपलोड किया था वो आपका मोशन का इंट्रोडक्शन था, तो पहले जाकर उस वाले वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मोशन को व्यक्त करने वाले पदों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है, सबसे पहला जो पॉइंट है मोशन को समझने का, वो पॉइंट आपको पिछले क्लास में कल की वीडियो में आपको बता दिया गया था, तो आज उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो देखिए, हमने कल बताया था कि आपका जो मोशन को व्यक्त करने का सबसे पहला पद है, उस पद का नाम है दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूरी और विस्थापन के बारे में अगर समझ लिए तो मान लीजिए कि मोशन का आप एक पार्ट समझ लिए। इसी प्रकार से बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उस बारीकी से हम लोग सभी चीजों को देखते चलें। तो सबसे पहला पार्ट है आपका दूरी और विस्थापन। तो बात समझिए, सबसे पहले अगर बात बताना चाहे दूरी और विस्थापन के बारे में, तो देखिए मान लेते हैं ये आपका पहला बिंदु, ये आपका दूसरा बिंदु। ठीक है, ये आपका पहला दूसरा, नहीं तो और कुछ अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये आपका घर, एक सेकंड थोड़ा सा, ये है आपका घर। ठीक है, उसके बाद घर से आपको स्कूल जाना है। कहाँ जाना है? स्कूल। स्कूल थोड़ा बड़ा रहता है घर की अपेक्षा, थोड़ा इसे हम बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपका स्कूल। गर्मी बहुत है, सभी लोग अपने अपने घर पे रहिए, पढ़िए। चलिए, तो ये आपका स्कूल हो गया, ये आपका घर है। घर से आपको स्कूल जाने का दो रास्ता, एक आप यहां से इस तरह ऐसे ऐसे करके घूम के भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये भी रास्ता हो सकता है, कंफर्म नहीं लेकिन हो सकता है। अगर जहां से आप जाना चाहें उस वाले बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थिति। ठीक है ना, देखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन। जहां तक आपको जाना होता है उस वाले बिंदु को बोलते हैं अंतिम स्थिति। जिसका नाम है फाइनल पोजीशन। एक सेकेंड, तो ये आपका प्रारंभिक स्थिति, ये आपका अंतिम स्थिति। ठीक है, चीजों को समझिए, कहां से रिलेट करने का प्रयास करते हैं पहले समझिएगा। तो अंतिम और प्रारंभिक आपने समझा, अंतिम को कहते हैं इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक को कहते हैं इनिशियल पोजीशन, अंतिम को कहते हैं फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक स्थिति को हम लोग एक्स आई से इंडिकेट करते हैं और अंतिम स्थिति को एक्स एफ से इंडिकेट करते हैं। दिक्कत इंडिकेट करने की कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। आपको घर से स्कूल जाने का दो रास्ता, आप इस तरह से घूमकर भी जा सकते हो और फिर इस तरह से भी जा सकते हो। जो इस तरह से आप घूमकर जा रहे हो ये आपका वास्तविक पथ हुआ। कैसा पथ है आपका? ये आपका है, लिख देते हैं यहां पर वास्तविक पथ, यह आपका रियल पाथ है, वास्तविक पथ।
अब देखिए, ये जो आपका डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका लघुत्तम पथ हो गया। ये लिख देते हैं यहां पे, इसको हम लोग कह सकते हैं लघुत्तम पथ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस छोड़िए, ठीक है। अब चीजों को ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका वास्तविक पथ हो गया, वास्तविक रास्ता हो गया, ये वाला रास्ता आपका वास्तविक हो गया। यहां से फाइनल से इनिशियल से फाइनल तक का जो भी छोटा डिस्टेंस था वो आपको लघुत्तम पथ हो गया। अगर यहां से आपका डेफिनेशन पूछा जाए किसका, दूरी का, उसके बाद डेफिनेशन पूछा जाए आपका विस्थापन का, तो बहुत ही प्यारा डेफिनेशन बन सकता है। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे पहला डेफिनेशन हम बताने जा रहे हैं दूरी का। दूरी का क्या डेफिनेशन है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के रियल पाथ को, वास्तविक दूरी को, वास्तविक दूरी को, रियल डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। फिर से बोलते हैं, किसी गति में प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के वास्तविक लंबाई को, वास्तविक पथ को दूरी कहा जाता है। लिख देते हैं, किसी गति में प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की, के यहां से बोल सकते हैं के बीच की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, तो दूरी कहते हैं। वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। ये आपका हो गया डेफिनेशन। तो देखिए, प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है, इसका जो रियल वास्तविक जो दूरी है वो आपका क्या कहे, वास्तविक जो लंबाई है वो आपका दूरी कहलाएगा। आप घर से स्कूल जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका घर से स्कूल तक का रास्ता एकदम सीधा है, आपको घूम कर जाना पड़ता होगा, ठीक है। तो घूम कर जो जाते हैं तो वो जो आपका कहलाता है, वो आपका कहलाता है क्या, वास्तविक लंबाई, वास्तविक पथ, ठीक है। और जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कहने का मतलब एकदम प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के रियल बिंदु, यानी सॉरी जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका कहलाएगा क्या, तो वो आपका लघुत्तम पाथ कहलाएगा, छोटा डिस्टेंस कहलाएगा, एकदम छोटा डिस्टेंस। और उसी लघुत्तम पाथ को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। बहुत ज्यादा भारी नहीं है, आप चीजों को रिलेट करना सीखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझना। चलिए, तो यहां से हमने देखा दूरी के बारे में, उसके बाद हम दिखाने वाले हैं आपको विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन पे थोड़ा फोकस करिए, क्या पढ़ने वाले हैं, विस्थापन। तो देखिए, विस्थापन क्या कहता है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के शॉर्टेस्ट पाथ, लघुत्तम पथ को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। देखते हैं यहां पे, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के लघुत्तम पथ को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। तो दूरी और विस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूरी हम लोग देख लिए कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के रियल पाथ को आप लोग डिस्टेंस कहेंगे, दूरी कहेंगे। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के लघुत्तम पाथ को आप लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन और दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ से आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया गया है, आपको यहाँ से मान लेते हैं आपका घर यहाँ पे है, आपको यहाँ से आपका स्कूल जाना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल सीधा ही जाओगे, आपको मुड़ना पड़ेगा, किसी ना किसी डर लेना पड़ेगा, तब जाकर आप स्कूल पहुँचेंगे। तो वो आपका कहलाएगा रियल पाथ। और यहाँ से आपका एकदम डायरेक्ट जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक का सीधा रास्ता होगा वो आपका कहलाएगा विस्थापन। तो ये विस्थापन और दूरी का डेफिनेशन है, ठीक है। अब चीज़ों को देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और बनकर आते हैं कि क्या एक प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के जाने में कितने रास्ते,
कितनी पोजीशन संभव है, कितना रास्ता संभव है, या बोल सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कितने रास्ते बन सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ से आपका अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि बोला जाए कि आपका इनिशियल पोजीशन एक साइड और एक और बिंदु दे दिया गया बिंदु ए और यहाँ बिंदु बी, ठीक है। एक आपका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन एक्स एफ। अब बोला गया क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये बोला गया कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी रास्ते, कितना रास्ता संभव है, यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में कितनी रास्ते संभव है। आप यहाँ पर सोचिए, आपको एक मिनट का सोचने का टाइम है, उसके बाद मैं इसे बताने का प्रयास करूँगा। चलिए सोच लिए, अब देखो कितना रास्ता संभव है, कितने रास्ते संभव है, कितनी दूरियां संभव है। तो आपको पता होगा यहाँ से हम इस तरह भी जा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में हम इस तरह भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में हम इस तरह घूम कर भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में हम डायरेक्ट इस तरह भी जा सकते हैं। यानी हम प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के जाने में बहुत सारे रास्ते हम संभव कर सकते हैं, अनेकों रास्ताएं संभव कर सकते हैं। तो ये दूरी का एक बेस्ट पॉइंट है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में कितनी दूरियां संभव है, कितनी रास्ते संभव है। तो हम बोल सकते हैं अनेकों दूरियां संभव है, ठीक है ना, अनेकों दूरियां संभव है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति से हम घूम कर जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से जा सकते हैं, तो अनेकों रास्ते संभव है। तो यहाँ से बोल सकते हैं अनेक रास्ता, अनेक दूरी, चलो अनेक दूरी, अनेक दूरियाँ, कितनी दूरियाँ संभव है, अनेक दूरियाँ संभव है। बात समझ में आई? आप लोग कहीं से भी जाते हो, देखते हो ना कि कहीं नहीं आज हम इधर से चलेंगे, नहीं आज उधर से चलेंगे, ठीक है ना। कभी आपको याद आ रहा था, नहीं उधर कुछ रहता था, उधर कुछ था, किसी किसी को याद आ रहा होगा, तो उसी रास्ते से हम लोग चला करते थे, तो ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में अनेकों दूरियाँ संभव है। अब चलिए दूरी के बारे में और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, बेस्ट पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखिए अगर दूरी का मात्रक देखा जाए, क्या देखा जाए, दूरी का मात्रक देखा जाए, विस्थापन का मात्रक देखा जाए, दूरी का विमा देखा जाए, विस्थापन का विमा देखा जाए, ठीक है ना। तो इस सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसे आपको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, लीजिए, उसके बाद हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो देखिए दूरी, अगर दूरी का मात्रक देखें, क्या देखें, दूरी का मात्रक देखें, चलिए दूरी का ही मात्रक देख लेंगे और विस्थापन का भी देख लेंगे, दूरी का भी देख लेंगे और विस्थापन का भी देख लेंगे, दोनों का हम लोग मात्रक देख लेंगे। अमात्रक होता कितना है, दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है एसआई और दूसरा आपका होता है सीजीएस, ठीक है। तो एसआई में हम दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या होगा, सीजीएस में दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या होगा। देखिए दूरी हम लोग जब नापते हैं तो उसकी कोई लंबाई है, लंबाई को हमेशा मीटर में इंडिकेट करते हैं एसआई के सिस्टम में, चाहे वो दूरी हो चाहे वो विस्थापन हो, दोनों कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि दूरी और विस्थापन का एसआई यूनिट भी सेम होगा। तो दूरी और विस्थापन का ही एसआई यूनिट मीटर होगा, कितना होगा, मीटर होगा, मीटर, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा विस्थापन और दूरी का सीजीएस यूनिट, आपको पता होगा सीजीएस में हम लोग दूरी को सेंटीमीटर में मापते हैं, तो ये आपका दूरी और विस्थापन एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो यहाँ से दूरी और विस्थापन का सीजीएस यूनिट भी सेंटीमीटर होगा, सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर में सेंटीमीटर आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग दूरी और विस्थापन का मात्रक भी देख लिए। बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, लेकिन फिर भी यहाँ से हम थोड़ा इसे डीप, थोड़ा सा अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे, जिन्हें छूटा है वो भी आज बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अगर इसकी बीमा की बात करें, क्या आप किसकी बात करें, बीमा, ध्यान दीजिएगा इसका हम बीमा देख रहे हैं, डायमेंशन, ठीक है। अगर इसका डायमेंशन देखने का बात करें तो डायमेंशन इसका होता क्या है, इसका हम लोग यूनिट देख लिए, ठीक है। अब इसका डायमेंशन देखेंगे, बीमा देखेंगे, तो बीमा होता क्या है, तो बीमा पर अगर ध्यान देने का प्रयास करिएगा तो देखो बीमा क्या होता है, ये किसी ना किसी का लेंथ है, ठीक है, तो किसी ना किसी का लेंथ है, तो हमको बीमा याद करने के लिए, तो लंबाई के लिए बीमा बना कर रख दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं L, लंबाई के लिए बीमा क्या है, L। तो हम लोग यहाँ पर केवल और केवल लंबाई को इंडिकेट कर रहा है, तो बाकी सारे चीज़ों का मान शून्य के बराबर होगा। हम लोग बीमा को जब भी लिखते हैं
एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें एम किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को दर्शाता है, टी समय को दर्शाता है, एल लंबाई को दर्शाता है, ठीक है ना। तो लंबाई के लिए बीमा हमारा एल था, और यहाँ पर जो आपका है दोनों के लिए बीमा निकला है, दोनों के लिए। तो ये भी किसी ना किसी प्रकार का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कहने का मतलब लंबाई, और लंबाई के लिए बीमा हम लोग जानते हैं एल होता है, और एल का पावर, जब इसके बारे में एल का बारे में चर्चा हो रहा है यहाँ पर, तो एल का पावर जीरो नहीं होगा। समय के बारे इस वाले फॉर्मूले में कोई चर्चा नहीं है, तो समय का मान जीरो होगा। द्रव्यमान का बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा, तो द्रव्यमान का मान जीरो हो जाएगा। यानी आपको दूरी और विस्थापन का बीमा देख सकते हैं, एम जीरो एल टी जीरो, एल वन भी कोई लिखा रहता है कोई दिक्कत नहीं है, एम जीरो एल वन टी जीरो आपका बीमा होगा। किसका बीमा होगा, तो दूरी और विस्थापन का बीमा। तो चलिए आप इतना तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए तो अगला जो दूरी और विस्थापन का पॉइंट है वो समझते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राशि। दूरी और विस्थापन का राशि संबंधित, अगर राशि समझने का प्रयास करें तो राशि हमारा दो प्रकार का, एक आपका है सदिश राशि और एक आपका है अदिश राशि। एक आपका है सदिश राशि और दूसरा आपका है अदिश राशि। अगर देखा जाए इसके बारे में, थोड़ा सदिश और अदिश के बारे में देखा जाए तो आपको पता होगा, सदिश में अगर देखा जाए तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, इसका कंडीशन समझाते हैं, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए। एक और नियम है, यह सदिश के योग का नियम का पालन भी करना चाहिए, सदिश के योग का नियम का पालन, ठीक है। दिशा होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए और सदिश के योग का नियम का पालन भी करना चाहिए। अदिश के बारे में देखा जाए तो अदिश में केवल आपका परिमाण होता है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होते, यानी दोनों में से कोई एक भी गायब होगा, इसमें केवल और परिमाण आप दे सकते हैं, इसमें दिशा नहीं होती। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश राशि होती है, जिसमें दिशा और परिमाण नहीं होता है, जिसमें दिशा और परिमाण में से दोनों एक भी गायब है, तो हम लोग कह देंगे वो अदिश राशि। अगर आपको नहीं जानकारी है सदिश अदिश के बारे में, तो इसके लिए आपका वीडियो अपलोड किया गया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर जाकर वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ सदिश अदिश के बारे में जानते हैं। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश होता है, जिसमें दिशा और परिमाण में से एक भी गायब है तो वो अदिश होता है। तो देखते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। अब दिशा और परिमाण से लेते हैं दूरी, ये आपका पहला पोजीशन, ठीक है। यहां से हमने यहां जाने का प्रयास किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, कितना मीटर, 5 मीटर, यहां से यहां जाने का 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया कि किस दिशा में है, जैसे मान लेते हैं आपको बोला गया कि यहां से वहां तक की दूरी को आप मापिए, तो आप कहिएगा 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर, लेकिन बोला गया है कि क्या किस दिशा में, तो दिशा का जब तक ज्ञात ना हो तब तक वो सदिश नहीं अदिश कहलाएगा, दिशा का ज्ञात हो तब वो सदिश कहलाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये दूरी 5 मीटर और यहां से यहां तक का हम मान लेते हैं 3 मीटर, ठीक है 3 मीटर। तो यहां से यहां तक आने में और फिर यहां से यहां तक आने में, देखिए यहां से यहां तक गया वो दिक्कत नहीं, यहां बोला नहीं गया था कितने मीटर तक की दूरी आपको कवर करनी है, सॉरी कितने किस दिशा में आपको दूरी कवर करनी है। जब तक आप दिशा नहीं बताइएगा तब तक वो कौन सी राशि कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी। दिशा बता देने के बाद वो कौन सी राशि कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। तो देखिए जो दूरी होता है उसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है, दूरी दिशा नहीं बताती है। तो एक पॉइंट और भी लिख लीजिएगा, दूरी दूरी दिशा नहीं बताती, अगर वो दिशा नहीं बताती है तो दूरी कैसी राशि है, तो दूरी हमारा अदिश राशि। अदिश राशि में क्या आ जाएगा, वो अदिश राशि में आपका आ जाएगा
और सदिश राशि में क्या आ जाएगा, सदिश राशि में आ जाएगा आपका विस्थापन। कहता है देखिएगा, कोई वस्तु 4 मीटर उत्तर दिशा की ओर विस्थापित है, तो यहाँ पर विस्थापन का बारे में आपको डायरेक्शन भी बता दिया गया। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा क्या दूरी और विस्थापन एक होते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं इस वाले डायग्राम से। 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, एक और डिस्टेंस ले लेते हैं, एक बिंदु ए एक बिंदु ए, यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए बिंदु बी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दूरी और विस्थापन समान हो सकते हैं, तो अगर वस्तु एक सरल रेखीय पथ में गतिशील हो तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन सेम होगा, क्योंकि एक सरल रेखीय पथ में जब गतिशील होगा तो जो डिस्टेंस इसके लिए दूरी के लिए होगा वही डिस्टेंस विस्थापन के लिए होगा, तो हम लोग कह सकते हैं दूरी दूरी बराबर हो सकता है किसके, विस्थापन के। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या दूरी बड़ा होगा विस्थापन से, हाँ हो सकता है, लेकिन दूसरा कंडीशन में आपसे बोल दें क्या विस्थापन बड़ा होगा दूरी से, तो कभी नहीं, हमेशा दूरी बड़ा हो सकता है विस्थापन से, विस्थापन दूरी से कभी बड़ा नहीं होगा। तो एक बार और भी लिख लीजिएगा, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए ये चीज समझे, अब देखिए कैसे हो सकता है, दूरी कैसे बड़ा हो सकता है। तो देखिए अगर आपको बोले दूरी, अगर आपको बोले दूरी ज्ञात करिए, ये दिए गए डायग्राम की दूरी ज्ञात करिए, तो दूरी आपको पता है यहाँ से यहाँ आइएगा तब दूरी होगा 5 मीटर और प्लस यहाँ से यहाँ जाइएगा तो दूरी होगा आपका 3 मीटर, टोटल डिस्टेंस 5 और 3 कितना मीटर, 8 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए विस्थापन, तो विस्थापन क्या बोला है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की न्यूनतम दूरी को, तो न्यूनतम दूरी आपका ये होगी, तो यहां से आप देखिएगा तो यहां से निकालने का प्रयास करिएगा, तो हम निकाल सकते हैं 5 मीटर और 3 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा और इसका वैल्यू आपका डिस्प्लेसमेंट का निकल जाएगा, s = √5² + 3² लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस वाले कंसेप्ट से आप निकालिएगा 8 से इसका मान आपका छोटा आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि दूरी बड़ा हो सकता है विस्थापन से, लेकिन विस्थापन कभी बड़ा नहीं हो सकता है दूरी से। यहाँ तक समझ में आपको, अगर दूरी का और भी, अगर दूरी का बोलेगी दूरी का डिफिनेशन और एक अच्छा सा दीजिए, तो आप बोल सकते हैं अगर किसी वस्तु की दूरी ज्ञात करनी हो, वस्तु कोई गति किया उसका दूरी ज्ञात करना हो, तो आपको वस्तु के साथ साथ चलना पड़ेगा, क्या चलना पड़ेगा, वस्तु के साथ साथ चलना पड़ेगा, तो आप उसका डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हो। विस्थापन के बारे में देखें तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच की न्यूनतम दूरी, ये उसी बात है, उसके लिए कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट यहां तक हो गया सभी का, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए एक आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को बनाइएगा, यह आपका मूलबिंदु हो गया, ये सर्कल है, सर्कल का मूलबिंदु हो गया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग कह दिए आर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पहला, यदि कोई वस्तु एक चक्कर लगाए ये दिए गए पथ पे, पहला एक चक्कर, ठीक है, दूसरा आधा चक्कर, दूसरा आधा चक्कर, तीसरा आपका ढाई चक्कर देते, डेढ़ चक्कर दे देते, चौथा दो चक्कर। अब देखिए एक चक्कर, आधा चक्कर, डेढ़ चक्कर, दो चक्कर, निकालना क्या है, तो निकालना है आपको दूरी और निकालना है आपको विस्थापन। चलिए अगर वस्तु एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तक कवर करेगा, अगर वस्तु आधे चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी कवर करेगा, तो इस प्रकार से देखते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु यहां पे है इस वाले पोजीशन पे,
बोला है इस वाले पूज्य शंकर की एक चक्कर लगाने के बाद दूरी ज्ञात की। चलिए, तो यहाँ से अगर वस्तु घूमने का प्रयास करेगा तो घूमते 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 एक चक्कर में यहाँ के रुकेगा। अगर एक चक्कर में यहाँ के रुकेगा तो ये वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ होने का मतलब क्या होगा, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि के बराबर ये घुमा होगा। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो वृत्त की परिधि होती है आपका 2π r। तो डिस्टेंस की बात करें आपको, तो डिस्टेंस आप कह सकते हैं कि बस वृत्त की परिधि के बराबर वो घुमा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कितना घुमा होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 2π r। चलिए आगे, यहाँ देखो चक्कर का कहानी आया, विस्थापन निकालना है आपको, एक चक्कर में विस्थापन, विस्थापन का आपने फॉर्मूला जाना होगा, इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटका रास्ता, सबसे कम दूरी। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहीं चला आया है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वापस यहीं चला आया है, यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी ना प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कोई गैप नहीं है, तो वहां पर विस्थापन आपका हो जाएगा 0। आधे चक्कर का कहानी देखते हैं, यहाँ से यहाँ आया और आधे चक्कर कहने का मतलब यहाँ का होता, तो दूरी अगर देखा जाए तो पूरे का मान 2π r, तो इसका मान कितना होगा 2π r/2, यानी π r। ठीक है, विस्थापन देखा जाए तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, यहां से यहां तक का रास्ता, ये r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, तो ये भी r हो, r और r को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना r हो जाएगा, बात समझ में आया। तीसरा, एक सही 1/2 यानी 1.5 चक्कर करना है, एक चक्कर अगर यहाँ से यहाँ घूमेगा तो यहाँ आएगा, फिर आधे चक्कर और घूमेंगे, एक चक्कर में आपका 2π r और आधे चक्कर में π r, मिलाकर कितना होगा आपका 3π r। विस्थापन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक r + r कितना 2r, दो चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर, 2 चक्कर, यहाँ से चल करके घूम कर आया यहाँ पर, फिर स्टार्ट किया, फिर घूम कर यहाँ पर आया, तो एक बार में 2π r, दूसरे बार में फिर 2π r, मिलाकर हो गया कितना आपका 4π r। ठीक है, विस्थापन देखा जाए, आकर यहीं रुका था ना, तो रुका था तो बताइए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच तक का कोई डिस्टेंस नहीं है, तो बोल सकते हैं यहाँ पर विस्थापन का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन हमेशा दिशा बताता है, दूरी दिशा नहीं बताता है, एक बात आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम दूरी और विस्थापन को आपको समझाने का प्रयास किए, अगला वीडियो जो होगा उसमें चाल और वेग के बारे में समझेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को पूरा सपोर्ट करिए, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास हमारा रहेगा, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, चाल और वेग को कंटिन्यू करेंगे।